नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इसमें मैं गांव भैंसली में खड़ा हूँ जी। बता देता हूँ आपको, राजगढ़ तहसील का गांव है और यहाँ पर एक रहस्यमय घटना हो रही है। और पिछले एक फरवरी से लेकर आज 9 मार्च हो चुका है। लगातार इस घर में मैं बात करूं तो तमाम ग्रामीणों से मैंने ऑफ कैमरा बातचीत की है। बताया जा रहा है कि 3 यहां पर 2 बच्चे और एक महिला की है मृत्यु भी हो चुकी है और रहस्यमय आग लगती है। आज भी 2-3 बार बताया जा रहा है कि दो तीन बार आग लग चुकी है। हालांकि यहां पर अब संत महात्मा भी पहुंचे हुए हैं और लगातार इसको रिकवर करने की कोशिश है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं, एक बार कैमरा मैन को घुमा कर दिखाएं, तमाम ये देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग हैं इस घर में हैं। और भैंसली गांव की मैं बात करूं तो यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर गांव है और वहां पर ये एक ढाणी है थोड़ी खेतों में और वहां पर ये लोग तमाम पहुंचे हुए हैं। और जिस प्रकार की रहस्यमय घटना हो रही है, आज जिस प्रकार की आगजनी हुई है, विजुअल में दिखाने का प्रयास मैं करूँगा आपको, क्योंकि कुछ विजुअल हमारे पास भी पहुँचे थे और बताया ये भी जा रहा है कि ये घटना कभी भी हो सकती है। अब आप जब अपने मोबाइल स्क्रीन पर चूरू झलक देख रहे हैं तब भी ये घटनाक्रम है घट सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि 13 दिन के अंतराल में तीनों ही, जैसे पहले महिला की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, उसके बाद में एक छोटा बच्चा था 4 साल का, फिर 8 साल का भूप सिंह पुनिया की ढाणी बताई जा रही है। तमाम ग्रामीण मेरे साथ में, उनसे चर्चा करेंगे इस विषय के बारे में, पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे। उससे पहले एक बार यहाँ पर दो लोग पहुँचे, उनसे बातचीत करते हैं। अंदर जाने की अनुमति एक बार है नहीं क्योंकि पूजा पाठ है वो चल रहा है। जैसे ही अनुमति अंदर की मिल जाती है हम अंदर जाने का प्रयास करेंगे और वो दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं कुछ विजुअल में यहाँ पर जो रस्से थे, यहाँ पर जो उनके वस्त्र थे जोड़ने के पहनने के, उनमें विजुअल जो दिख रहे हैं आप, उनको आग लगी हुई है किस प्रकार से। और हालांकि अब अंदर की स्थिति क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कभी भी किसी भी जगह से अचानक आग लगती है और ये कारण क्या हो सकते हैं, ये रहस्यमय घटना है, जांच का विषय है। लेकिन इस प्रकार ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी, जिस प्रकार का आपने बताया कि फरवरी से चल रही है, आज बड़ी संख्या में, तमाम सैकड़ों की संख्या में आप ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कितने दिनों से आप लगातार बैठे हुए जी यहाँ पे? ये जो अग्नि वाला प्रकरण है ना, उस दिन से हम यहाँ पे रहते हैं और मतलब रात को भी रहते हैं, पहरा देते हैं और दिन में भी पहरा देते हैं। जब रात को यहाँ पर आप रहते हैं, आधी रात होती है तो कुछ आप पूरी रात जगते रहते हैं? कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका, कोई आधी रात का टाइम नहीं है। ये 9 बजे लग जाती है, सुबह 6 बजे लग जाती है, 11 बजे लग जाती है, 12 बजे भी लग जाती है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। ऐसी कुछ जैसे अदृश्य शक्तियां बताई जा रही हैं कि उससे भी हो सकता है ऐसा, तो कभी कोई रात को ऐसा कुछ दिखाई दिया? नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अचानक से एकदम से भभक के आग लगती है और वो धुआं निकलता है, जब पता चलता है तो भाग करके उसको बुझाते हैं, फिर पानी डाल के। किसी प्रकार की आवाज वगैरह आसपास के क्षेत्र में? कोई भी आवाज उज कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरे भी लगाए हुए हैं, इसलिए लगवाए थे कैमरे भी। कैमरे कब लगवाए? कैमरा ये आग चालू हुई उसी दिन लगवा दिए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर डर का माहौल है, वो पूरी तरह से बना हुआ है। आप एक बार देखिए, मैं देखिए पूरे बिस्तर है जिनके, भूप सिंह पुनिया के मकान है, तमाम बिस्तर है बाहर निकाल के रखे हुए हैं और ये घटना कभी भी हो सकती है। और लोग मेरे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आपका नाम? सुनील कुमार नाम है। सुनील जी, आप यही रहते हैं गांव में? नहीं, मैं, ये मेरे मामा का घर है। मामा का घर है, हाँ। तो आप कब आए यहाँ पर? मैं 3 तारीख को यहीं आ गया था। 3 तारीख को? बताया जरा कि आग लग रही है, दिन में भी लगती है, आपने कितनी बार ये घटना देखी है? कम से कम 50 बार तो मैं खुद अपने हाथों से बुझा चुका हूँ इस आग को। किस तरह से बुझाते हैं? पानी वगैरह डाल के बुझ जाती है? हाँ, बुझ जाती है, उसके बाद फिर लग जाती है। फिर लग जाती है। ये जैसे यहाँ अपन खड़े हैं तो यहाँ आंखों के सामने नहीं लगती है, इधर जैसे अदृश्य है तो यहाँ लग जाती है। बिल्कुल, आपको बता दूं सोशल मीडिया के मार्फत ये खबर है, पूरी इस क्षेत्र का है, कहीं ना कहीं एक मुद्दा से बना हुआ है क्योंकि लोग देख रहे हैं। काफ़ी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास हकीकत में जब हमने सुना था हमें भी नहीं हो रहा था कि हकीकत में ऐसा कुछ हो सकता है। जब तमाम यहाँ पर मैंने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठे ग्रामीण देखे हैं तो कहीं ना कहीं आज की जो घटना है उसके विजुअल मैं एक बार चला कर दिखाऊँगा, क्योंकि किसी भाई ने मेरे को ये विजुअल दिए हैं, वो दिखाऊँगा आपको। लेकिन उससे पहले 2 दिन के जो कैमरे के जो डिवाइस है वो भी जला दी, उसको भी लग गई थी, कैमरा भी जल गया। जो मेन डिवाइस होती है वो भी जला दी। इन्होंने साफ साफ कहा है यहाँ पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा है वो यहाँ पर लगाए गए, आप तमाम देख सकते हैं। कैमरा मैन कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं, जो सीसीटीवी कैमरा है इसलिए लगाए गए हैं। कभी कभी अंधविश्वास के चलते ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा आग लगा के चला जाए उसकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि ये देख सकें कि यहाँ पर कोई बाहर का आग लगा के गया या नहीं। लेकिन जिस प्रकार के विजुअल हमारे पास आ रहे हैं, जिस प्रकार के दृश्य यहाँ पर हैं, जिस प्रकार का खौफ इनके चेहरों पर देखा जा सकता है, ये हकीकत है। कहीं ना कहीं मैं वो दिखाने का प्रयास आपको करूंगा, लेकिन पूजा पाठ चल रहा है। उससे पहले यहाँ पर जो तमाम ग्रामीण हैं उनसे एक बार चर्चा कर लेते हैं। आप कहाँ के रहने वाले?
सकता हूँ। बैसली के यहीं के रहने वाले। बैसली के आप गांव में रहते हैं? हाँ जी। कितने दिनों से यहाँ आ रहे हैं आप? एक तार से पिछले एक तार से आ रहे हैं। इस प्रकार की घटना कभी आसपास के क्षेत्र में कभी सुनी आपने? नहीं सुनी। नहीं सुनी। यहाँ पर जिन ग्रामीणों ने मुझे ऑफ कैमरा पूरी जानकारी दी थी इस मामले के बारे में, हालांकि सोशल मीडिया पर और मैं बताऊं कुछ टीवी चैनलों पर भी और कभी जो डिजिटल मीडिया है उस पर भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर मेरे साथ ग्रामीण जी, आपका नाम बताइए। अंशरूप। अंशरूप जी, आपने पूरा मामला देखा है? पूरा। जिस प्रकार की घटना हुई है, तीन तीन डेथ एक परिवार में हो चुकी है, जहाँ पर दो मासूम बच्चे गए हैं, एक वृद्ध महिला गई है। ये बच्चे थे जो किस प्रकार जैसे अचानक से ही इनके मतलब डेथ हो गई? या पहले मामूली छुट्टी आई, उल्टी आते ही हॉस्पिटल की तरफ पिलानी गया, पिलानी वाले ने नहीं उठा, हिसार ले गए। वहाँ चार पांच डॉक्टरों से कराई, उसने कोई बीमारी नहीं बताई किसी तरह की। किसी तरह की। हाँ। जो भूप सिंह की दादी बताई जा रही है, उनकी डेथ कितनी तारीख को हुई थी, कौन से महीने में हुई थी? उनको एक तारीख को, एक फरवरी को। और जो छोटा बच्चा था फिर उसकी? उसकी 14 तारीख को। 14 तारीख को। और 8 साल वाले बच्चे की? 28 फरवरी को। यानी पूरा जिस प्रकार का गैप आप बता रहे हैं, 13 से 14 दिन का गैप रहता है। 28 तारीख को उनको। अभी थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा बता रहे थे कि हमें डर सता रहा है, आज 9 तारीख हो चुकी है, 13-14 दिन होने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा घटना न हो, इसलिए तांत्रिक वगैरह भी आपने बुला के रखे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तांत्रिक वगैरह क्या बोल रहे हैं महाराज? हम कर देंगे, मन करते नहीं, एक बार कर अग्नि देखते ही बचे जाते हैं। इसने इनसे पहले कितने आए थे यहाँ पर? 15-16 आ दिया कम से कम। सब चले गए? सब चले गए, देखते करके। क्या बोले, हमारे बस की बात नहीं? पहले कह कर देंगे, वो अग्नि देखते ही हमारा बस की बात, हाथ जोड़ के चले जाते हैं। अब मैं आपको घर के अंदर लेके चलता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं थी, इसलिए क्योंकि पूजा पाठ है वो यहाँ पर है हो रहा था, इसलिए एंट्री अलाउड नहीं थी। अब मैं आपको वो दृश्य अंदर का दिखाने का प्रयास करूंगा, परिवार के सदस्य हैं उनसे भी बात कराने की कोशिश आपकी करूंगा, लेकिन सबसे पहले सर एक बार दिखाऊं अंदर चल के, मेरे साथ हैं ये तो बिल्कुल जूते निकाल के चलेंगे, क्योंकि पूजा पाठ यहाँ पर हो रहा है। और जिस प्रकार की लगातार घटनाएं हो रही हैं यहाँ पर, ग्रामीण पूरी तरह से भयभीत हैं। हालात में दिखाने का प्रयास आपको करूँ, यहाँ पर अंदर की वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मेरे साथ में नरेंद्र जी सांगवान है, वो पहुंचे हुए कल शाम से ही। नरेंद्र जी आप आए सामने, जिस प्रकार की आप बता रहे हैं आज सुबह से ही आग लगी हुई है। यहाँ सुबह से 2 बार आग लग गई है, 1 बार उधर वाले मकान में, 3 बार तकरीबन 3-4 बार आग लग चुकी है। अपने आप ही ये कपड़ा आप देख रहे हो, बिल्कुल ये तेल की तरह काम करेगा, जब आग लगेगी तब भभक उठेगा और पूरी तरह से जल उठेगा। नरेंद्र जी आपने सब तरीके की दुनियादारी देखी है, जिस प्रकार की एक आम आगजनी होती है और इस आगजनी में कोई आपको फर्क महसूस हुआ? बहुत फर्क महसूस होता है, आग लगने से पहले आपको पता चल जाएगा कि सुगंध अलग सी सुगंध सी आएगी, जैसे हवन कराते हैं घर में, और उससे पता चल जाता है ग्रामीण जन बैठे रहते हैं कि अब आग लगने वाली है, तो घर के चारों तरफ हो जाते हैं, अब आग कहाँ लगेगी नहीं पता, फिर पता चलता है कि आग मकान में लगी है, मकान के बाहर लगी है, और पूरे ग्रामीण जनों का बहुत बहुत सहयोग है इस दुख की घड़ी में, इस परिवार के साथ रहा है पूरे 24 घंटे पूरा ग्रामीण जन, आधे गांव के लोग दिन में ड्यूटी देते हैं, आधे गांव के लोग रात को ड्यूटी देते हैं, कल रात से हमारे को पता चला, तब से हम भी यही हैं, हमारे मित्र भूप सिंह काफ़ी मित्र भी हैं हमारे, लेकिन इस दुख की घड़ी में आज साथी के साथ खड़े हैं, लेकिन अब कुछ हो नहीं पा रहा है, प्रशासन इस चीज़ को बिल्कुल हड़के में ले रहा है, मजाक में समझ रहा है, प्रशासन आता है देख कर चला जाता है, एक झूठी सांत्वना दे के चला जाता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक करने के लिए कुछ नहीं है। प्रशासन आया था यहाँ पर, कल तहसीलदार जी आए थे और अन्य क्रम अधिकारी भी आए थे, सीआई साहब भी आए थे, लेकिन देख के चले जाते हैं कि ये फिर मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, लगाई हुई आग है, एक परिवार आज 7-8 दिन से, पिछले 7-8 दिन से परेशान है, 1 महीने से लगातार 3-3 मौत हो इस घर में हो चुकी हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी शुद्ध प्रशासन नहीं ले रहा है, हड़के में ले रहा है, पूरा परिवार पूरा गाँव परेशान है, तहसीलदार जी की आंखों के सामने आग लगी थी एक घर के बाहर, 2-3 बार आग लगी थी, लेकिन फिर भी तहसीलदार जी बोलते हैं ये तो पता नहीं कोई मनगढ़ंत कहानी है, समझ में नहीं आ रहा प्रशासन चाहता क्या इस चीज़ की, या तो मनगढ़ंत कहानी है तो आप इसको खुलासा करें, एक परिवार 7-8 दिन से, पिछले 7-8 दिन से परेशान है, 1 महीने से घर से 3-3 लोगों की जाने चली गई है, उसके बाद प्रशासन ने इसको मनगढ़ंत कहानी बता रहा, बड़ी शर्म की बात है। जिस प्रकार की घटना आप देख रहे हैं,
आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इसे अंधविश्वास मान सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचेंगे, इस मकान की मैं बात करूं, दोनों मकान मेरे साथ आसपास ही हैं, दोनों मकानों के सामान वो खाली कर दिए गए हैं। हकीकत में जिस तस्वीरें जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर चल रही है, जब आप यहाँ देखेंगे तो आपके रोंगटे जरूर खड़े होंगे। प्रशासन की बात कही तो प्रशासन है, इसको संज्ञान में जरूर ले। इन्होंने एक बात और मुख्य रूप से कही, कपड़े में आग लगती है तो कपड़वास नॉर्मली तरीके से आती है, कपड़े के जलने की सुगंध आती है, लेकिन यहाँ पर अलग तरीके की सुगंध है वो आती है। लेकिन मेरे साथ भूप सिंह जी हैं, लगातार 2 महीने से परिवार सोया नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ के कुछ जो जिम्मेदार लोग हैं इस परिवार के साथ, उनको आना चाहिए आज इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में, प्रशासनिक अधिकारी हों चाहे यहाँ के नेतागण हों, क्योंकि ये सिचुएशन है कहीं ना कहीं हिला कर रख देने वाली सिचुएशन है। अकेला परिवार 2 महीने से इस परिस्थिति से लड़ रहा है, यहाँ पर समाज सेवी आते ग्रामीण हैं, मैंने दिखाया आपको सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हैं बाहर, सैकड़ों की संख्या में जिसे अनगिनत लोग कह सकते हैं, वो सब आज इस परिवार के साथ में है। यहाँ पर तांत्रिक विद्या भी चल रही है, किसी न किसी प्रकार से इस समस्या से हल पाया जा सके, लेकिन जब आज सुबह इस प्रकार की घटना 6 बार लगातार हो जाती है, और जिस प्रकार से नरेंद्र जी ने हमें कहा कि तहसीलदार महोदय यहाँ पर आए थे, उन्होंने इसको कहीं ना कहीं ये कहा कि कोई आग लगा के चला गया हो, ये तथ्य के आधार पर बात करने वाली होती है। यहाँ पर एक रात आप बिता के देखिए, इस परिवार सामने 3 बार लगी थी आग, तहसीलदार जी के सामने बार बैठे थे, उनके सामने 3 बार आग लगी, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोले ऐसा आज तक कभी देखा नहीं, ऐसा हुआ नहीं। ये तो जरूरी नहीं कोई घटना कभी हो और वो दिखे, हम भी पहली बार सुन रहे हैं और पहली बार ऐसी घटना हुई है। किसी परिवार को मजाक तो नहीं रही, 3-3 घर से लोग चले गए, मजाक बना के रखा प्रशासन ने, यहाँ का कोई प्रशासन का अधिकारी परिवार की सूद तक नहीं लेने आते, बड़ी शर्म की बात है। सबसे बड़ा अब डर है किस बात का सता रहा है, इन्होंने कहा कि 3 डेथ इस परिवार से हुए, जिस प्रकार से ग्रामीणों से हमने बातचीत की है, और उनका अंतराल है वो मात्र 13 से 14 दिन का रहा है, और पिछला 28 तारीख को इनके बच्चे की डेथ हुई थी, और आज फिर मैं बता दूं 9 तारीख है और 1-2 दिन बाद 13 से 14 दिन होने वाले हैं। इनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि कोई जनहानि यहां पर नहीं हो जाए, लेकिन यहां पर समय रहते हुए अगर सचेत तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, इन्होंने अपने इस जो इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है, हो सकता है अंधविश्वास है, इन्होंने उसके लिए CCTV कैमरे अरेंज किए हैं, लगवाए भी गए, सुनने में अभी हर डिस्क भी जल गई है ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ जल गई जी, अब दोबारा चेंज करवाया गया? नहीं चेंज नहीं करवाई है। भूप सिंह जी, ये एक आप इस घर के मालिक हैं जी, 1 फरवरी से ही ये घटनाक्रम हुआ है या इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था? पहले ये सर 29 फरवरी को हुआ था। 29 फरवरी हुआ था, उससे पहले आपने कभी ऐसा नहीं? ना उससे पहले कुछ नहीं हुआ। भूप सिंह जी, आपने इस मामले को लेकर किस किस को अवगत अब तक कराया, किसी ग्रामीण के द्वारा और कोई? मैंने सब जगह अवगत करवा दिया, हमारे अमीरवास थाना लगता वहाँ मैंने अवगत करवा दिया, तहसीलदार जी के पास अवगत करवा दिया, और ये जो SP हैं चोर उनके पास भी सूचना भिजवा रखी है। जहाँ तक हमारी खबर है, भूप सिंह एक एजुकेटेड हैं, एक डॉक्टर हैं पेशे से, वो इन चीज़ों को मानते भी नहीं है। एक परिवार आज इस दुख की घड़ी में, बड़ा दुख होता है, हमारे बहुत सारे साथी समाज से भी यहाँ आए भी हैं, लेकिन वो सिर्फ और कैमरे तक वीडियो बनाई, फोटो बनाई और चलो डाल दिया सोशल मीडिया पे। उनका भी सहयोग है, किसी न किसी रूप से उन्होंने भी इसको आवाज़ उठाई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रशासन को एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, इस परिवार को कोई ना कोई बड़ी हानि न हो जाए, आप इस चीज़ को हल्के में न ले, सीरियस लेके, और इस परिवार के साथ आज इस दुख की घड़ी में प्रशासन सुध लें और इस परिवार की हर संभव मदद करें। मैं तो कहना चाहूँगा इस वीडियो को आप थोड़ा शेयर ज़्यादा किए, ताकि कलेक्टर महोदय तक की वीडियो पहुँचे, क्योंकि यहाँ के अधिकारी हैं, उन्होंने सुनाई नहीं की। हालांकि जिस प्रकार की आगजनी यहाँ पर होती है, अगर रात के अंधेरे में यह परिवार सो रहा होगा, वो कोई बड़ी आगजनी हो जाएगी, तो मेरा कहना ये प्रशासन थे, यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है वो लगभग होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के हालात हमने देखे, दूसरे कमरे में चलते हैं दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए तमाम, ये देखिए परिवार यहाँ पर बैठे हुए, पूजा पाठ वगैरह चल रहा है, उससे पहले हम इस कमरे में आते हैं, यहाँ पर भी देखेंगे कि ऐसी कुछ घटना हुई है इस कमरे में। ये आगजनी हुई यहाँ पर ना, ये देखिए, ये दिखाने का प्रयास मैं करूंगा, तस्वीरें आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं। पहली दफा तो हमने भी इस बात पर भरोसा नहीं किया था, हमने इस बात को 3 दिन तक डिले किया, एक बार फिर घुमा के दिखाने का प्रयास आप करें। देखिए जिस प्रकार से CCTV कैमरे की हार्ड डिस्क है वो जलकर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर हर एक, अगर यहाँ के तहसीलदार महोदय ये कहते हैं कि अंधविश्वास है, ये किसी के द्वारा लगाई गई, तो साहब ऐसा कोई परिवार नहीं जो अपने परिवार के सामने 3 बार लगी है,
यही मौजूद थे, यहाँ मौजूद थे तहसीलदार महोदय, जैसे इनके सामने बार उनके सामने आग लगे, उन्होंने एक्सपेक्ट किया, बोले कि ऐसी घटना हमारी जिंदगी में पहली बार हुई है। तो उनको ग्रामीण जनों ने बोला भी था कि साहब हम बहुत सारे लोग परेशान हैं, आप इसकी सुध ले, आपके सामने तीन तीन बार घटना हुई, हम तो पूरे ग्रामीण जन पूरी रात बैठे रहते हैं, यहाँ बाल्टियां ले लेके घरों के बाहर चारों तरफ ग्रामीण जन बैठे रहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस परिवार की शायद कोई सुध लेने के लिए कोई सीरियस ले मरीज नहीं सीरियस होकर कोई अधिकारी अभी तक आया नहीं है। इस परिवार की मदद पूरा गांव कर रहा है, इस परिवार की मदद पूरे क्षेत्र के आसपास के लोग कर रहे हैं, समाजसेवी इस परिवार के पास पहुँचे हैं और इस परिवार को अब सरकार से उम्मीद है, इस परिवार को अब प्रशासनिक अधिकारियों से उम्मीद है, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, यहाँ पर शायद इन्वर्टर वगैरह बैटरी रखी हुई है और हर कमरे में, हर कमरे के देखिए आप देखने का प्रयास करें एक बार मोबाइल स्क्रीन पर अपने, ये तस्वीरें आपके बीच में इस समय मोबाइल स्क्रीन पर चल रही हैं और ये हकीकत है। हमने भी मेरे तीन दिन हो गए मेरे साथ फ़ोन जाते हुए इस गाँव से, आस पास के गाँव से, लेकिन हमने सोचा कि हो सकता है ये चीज़ें कोई किसी भी तरीके से कोई दूसरा आगजनी करके जाए, लेकिन इस प्रकार भले एक बंद मकान के अंदर कौन आगजनी करके जाएगा, और जिस प्रकार की बात यहाँ पर जो अधिकारी मानने को तैयार नहीं है उनको मैं कहना चाहूंगा, एक परिवार है जो अब खुद बाहर बैठा है, जिसके कपड़े बाहर पड़े हुए हैं, जो मकान से बाहर बैठा हुआ है, तन पे कपड़े बचे, वही बचे हैं, बाकी सारे कपड़े जल के राख हो गए, अधिकारियों के सामने जले हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अधिकारियों के सामने भी है, यहाँ पर है जिस प्रकार की घटना हुई है, कहीं ना कहीं एक यहाँ पर जिस प्रकार के इस परिवार को लैटरिन बाथरूम है उसमें भी बताया जा रहा है कि आग हुई, आग की घटना है, वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास मैं आपको करूँ तो ये तस्वीरें आपके सामने इस समय चल रही हैं और इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कहाँ पर घटना दिखाइए कैमरामैन को, थोड़ा ऊपर जाके जहाँ पर हैंगर है, जहाँ पर देखिए तस्वीरें आपके सामने है, वहाँ पर कोई कपड़ा वगैरह था, जहाँ पर यहाँ पर देखिए तस्वीरों में आपके सामने है आग यहाँ पर लगी हुई है और बिल्कुल देखिए सब प्रकार यहाँ दिखा रहे हैं कि नमक की कटोरी वगैरह में सब देखिए। नरेंद्र जी, कटोरी गेहूँ में, उसके बाद में आटे में, गुड़ में, हर चीज में आगजनी हो रही है। देखिए मैं दिखाने का प्रयास करूं, कैमरामैन को थोड़ा अंदर जाएं और दिखाने का प्रयास करें, जो परिवार मेरे साथ में है जिन्होंने दिखाने का प्रयास ये किया है, ये तस्वीरें आपके साथ हैं, देखिए यहाँ पर दिखाएंगे थोड़ा सा कहाँ पर आगजनी, थोड़ा ये रहा नमक, ये नमक है, नमक देखिए यहाँ पर भी आग लगी है, जो एक आपको अगर मैं बताऊं तो आप सभी यकीन नहीं करेंगे, ये देखिए पूरा अस्त व्यस्त ये सामान आप देख रहे होंगे, इसमें आटे की बाल्टी थी उसमें भी आग लगी, आटे की बाल्टी में भी आग लग गई, बाहर पड़ी, बाल्टी बार पड़ी है। मैं कुछ तस्वीरें बाहर की आपको दिखाना चाहूंगा, मैं चलता हूँ, कैमरामैन कहूंगा मेरे साथ साथ वो आए और बाहर की तस्वीरें मैं जिस प्रकार से इस मकान के पीछे की, और यहाँ पर देखिए नरेंद्र जी मुझे दिखा रहे हैं कि एक यहाँ पर और तस्वीरें वो अलग से दिखाने का प्रयास, देखिए दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर पूजा चल रही है फिलहाल, ये देखिए सुबह इसमें आग लगी थी, उसके बाद में इस हैंगर में कोई भी कपड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली हैंगर को आग लगी थी, और मजे देखने के बाद ये हाथ लगाते हैं तो गर्म नहीं रहता है, जब कोई भी कपड़ा जलता है उसकी राख नहीं बनती है, कोई अगर घास फूस जलता है तो उसकी राख नहीं बनती है, प्लास्टिक जैसा है, टाइट हो जाता है, बड़े दुख है इस परिवार के साथ। आज ग्रामीण जन हजारों की संख्या में बैठे हैं, जैसा सहयोग हो रहा है वैसा सहयोग करते हैं, जैसे गुरु महाराज आ रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं इस परिवार को, आशीर्वाद की वजह से ये परिवार आज कुछ आस लगाए बैठा है, लेकिन हम लेकिन शासन से तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी इस परिवार। गुरु जी यहाँ पर आइए, आप गुरुजी हैं मेरे साथ में, गुरुजी इस प्रकार की घटना, पूरा परिवार ही नहीं पूरा गांव भयभीत है, कभी आपने अपने जीवन काल में ऐसी घटना कहीं देखी? नहीं नहीं मैंने नहीं देखी, मैंने पहली बार देखी भाई। क्या लगता है आपको, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे आप, लग रहा है आप अपने पूजा से? रिकॉर्ड तो करने वाले गोरक्ष भगवान है, अपना तो एक छोटा सा माध्यम है, ऐसा लग रही है आग बार बार, भजन पे विश्वास है, विश्वास गोरक्षनाथ जी पे, परमपिता परमात्मा पे विश्वास है। गुरु जी आप कब से यहाँ पर पहुंचे हुए? मैं कल आया था। बताइए अभी जरा, इससे पहले भी यहाँ पर महाराज आए, वो इस तरह की घटना देखकर चले गए हैं वो छोड़कर? नहीं, दिल तो हमारा भी कांप आता है, ऐसी घटना देखकर, पहली बार घटना देख रहे थे हम भी अपनी फकीरी में, जब से फकीरी ली है पहली बार घटना देखी है। ऐसी घटना कभी आपने अपने जीवन काल में नहीं देखी? नहीं नहीं मैंने नहीं देखी भाई जीवन काल में। देखिए खुद महाराज जी कह रहे हैं कि पहली दफा जब ये घटना हमने देखी तो दिल हमारा भी कांप उठा। पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, आए कैमरा मैन मेरे साथ और वो दिखाने का प्रयास, हम एक एक विजुअल दिखाने का प्रयास करेंगे। वीडियो आज लंबा जा सकता है, इस वीडियो को आप देखते रहिए क्योंकि वीडियो छोटा नहीं है, घटना बड़ी है तो वीडियो भी लाजमी है कि बड़ा होगा। ये देखिए यहाँ पर सूटकेस है,
कैमरा मैन कहूंगा थोड़ा दिखाने का प्रयास करें, बंद सूटकेस थी, बंद सूटकेस है, वहां से खोले आप एक बार, थोड़ा सा इसको दबा कर खोलने का प्रयास है वो करें। ये देखिए यहाँ पर देखिए करेंसी है वो रखी हुई थी, नोट है वो रखे हुए थे, देखिए लॉक था और किस प्रकार से देखिए यहाँ पर 10-10 के नोट की माला है वो किस प्रकार से जली हुई आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। तमाम वो सामान एक बार कैमरा मैन को घुमा के दिखा दें, तमाम पूरा सामान है। और यहाँ पर देखिए दूर दूर तक आप देखेंगे तो गाड़ी और ग्रामीण ही आपको नजर आएंगे, सब लोग आज इस परिवार की मदद के लिए, इस परिवार के कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर खड़ा नहीं है तो सरकार नहीं है, उम्मीद है इस परिवार को कि सरकार भी इसकी परिवार की है वो सहयोग करे। मैं दिखाने का प्रयास आप करूँ तो पूरी तरह से सब कुछ इस परिवार के लिए नष्ट है, वो हो चुका है फिलहाल। ये देखिए नरेंद्र जी दिखा रहे हैं मेरे को, ये तस्वीरें देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर कपड़े हैं, एक भी आज सामान यहाँ पर नहीं बचा है, सब कुछ यहाँ पर नष्ट हो चुका है। अब पीछे चलेंगे और वहाँ पर कुछ वहाँ पर दिखाने का प्रयास मैं आपको करूँ तो तस्वीरें आपके सामने इस समय चल रही हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह हैं जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें घर का जरूरी सामान वगैरह, दिखाने का प्रयास करें कैमरा मैन को थोड़ा सा इसको, और तमाम और लोग बैठे हुए हैं उनसे भी बातचीत। अच्छा बोरिंग का रस्सा, बिल्कुल साहब बिल्कुल, जहाँ मैं बात करूँ जहाँ पर नरेंद्र जी, ये तो पानी बिल्कुल पानी के नजदीक है, पानी के नजदीक है, पानी के ये रस्सा भाई साहब दूसरा लगाया, मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पर भी रस्सा जल गया, बता रहे हैं ये रस्सा जल गया, वहां रस्सा देख लो आप, इसी बोरिंग का रस्सा पड़ा, बिल्कुल दिखाने का प्रयास आप करेंगे वो जल गया। ये तस्वीरें आपके सामने इस समय चल रही चुरू झलक पर, यहाँ पर जो ग्रामीण बैठे उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो रस्सा जला हुआ था उसको देखिए नरेंद्र जी, देखिए दिखाने का प्रयास आप देखो, ये रस्सा भी किस कोई जलाएगा इतना बड़ा रस्सा, मजाक थोड़ी है। ये देखिए हालात में दिखाने का प्रयास करूं, एक एक पल पल यहाँ पर अंदर चलेंगे थोड़ा सा, ये परिवार ये चाकी देखो आप, ये हालात देखिए अंदर की हालात दिखाऊंगा, जहाँ पर चाकी वगैरह आटा पीसने की लगी हुई है, लोहे की चाकी, लोहे पे आग लगी है, कैमरामैन को एक बार ये लोहा भी धधक, ये देख सकते हैं ये बाल्टी लोहा धधक धधक के जला है, पूरा देख सकते हैं आप कैमरामैन, देखिए दिखाने का, ये देखिए मतलब हर चीज इसकी बाल्टी थी, देखिए ये इसकी बाल्टी थी, पूरा दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों में, ये इसकी कोठरी थी, सब कुछ जल गया। कैमरामैन थोड़ा पीछे जाके दिखाने का प्रयास करें तो बखूबी पूरी जनता है इस चीज को देखेगी, ये कोठरी थी देखो, ये कोठरी थी, हर चीज जल गई, इस घर के पास कपड़ा पहन वही कपड़ा बचा है जो पहना हुआ जो है, तन पर है सिर्फ वो बचा हुआ है, जो घर में है वो बाहर निकाल दिया गया है, एक एक चीज यहाँ पर नष्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए चारा है जो पशुओं को डालते हैं वगैरह, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है और हर प्रकार के यहाँ पर पशुधन रखे जाते हैं, उसमें भी मैं दिखाने का प्रयास आपको करूँ पीछे की तरफ, यहाँ पर भी देखिए आग लगी हुई है ऐसा बता रहे हैं, ये देख सकते हैं कैमरामैन कहूँगा आग, ये देखिए आग लगी हुई है, दिखाए देखिए कैमरामैन को थोड़ा सा अंदर जाकर इसको थोड़ा दिखाए नजदीक से, देखिए इनका इनके हाथ में दिखाए नरेंद्र जी, नरेंद्र जी इसको उठा के लाएंगे, ये देखिए इनकी राख नहीं बनी है, प्लास्टिक की तरह अभी भी शिकड़ा हुआ है, राख नहीं बनती, जलने के बाद राख बनती है लेकिन इसकी राख नहीं बनी, घर का एक भी कोना, घर का एक भी कोना ऐसा नहीं बचा जहां पर देखिए, जिसे यहां की भाषा में गोश्त वगैरह कहते हैं, ये फूस है ना, चारा है, चारे में भी देखिए यहाँ पर भी आग लगी हुई है, पूरी आप घटना देख सकते हैं तस्वीरों में, दिखाने का प्रयास करूं आपको तो ये तमाम देख सकते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा नजदीक जाकर दिखाने का प्रयास करें, ये देखिए किस प्रकार से ग्रामीण जन थे, अगर प्रशासन ये देखिए अगर ये घर रहता तो पूरा जलकर यहाँ पर सब कुछ है वो नष्ट हो चुका है, लेकिन पूरा परिवार भय में है, पूरा गांव भय में है, क्योंकि ये घटना आसपास के क्षेत्र में पहली बार किसी ने सुनी है, क्योंकि हमने भी अपनी जीवन काल में, महाराज हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि अपने जीवन काल में हमने ये घटना पहली बार देखी है, इस तरह की घटना शायद आपने, ये देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये देखिए तमाम आसपास भी कुछ भी नहीं बचा है, इस तरह की हालात है, तब ये लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, देखो भाई बारा, ये देखिए सब कुछ जलकर यहाँ पर नष्ट हो चुका है, और इस तरह की रहस्यमयी घटना है। अब आप इस रहस्यमयी घटना पर क्या कुछ कहना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ग्रामीण और हैं उनसे भी बातचीत मैं कराऊंगा आपकी, आइए चलते हैं वहां पर, ये तमाम ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। आपका नाम सुख मांगेराम जी, चलिए चलते चलते बात करते हैं, कब से आप यहाँ पर पहुंचे हुए? 4-5 दिन से लगातार। इस प्रकार की मांगेराम जी, आपने कभी अपने जीवन काल में कभी घटना देखी? नहीं देखी है। यहीं के रहने वाले आप? हाँ यहीं के। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रकार घटना पे? ये हो सकता है अद्भुत है तो ये क्या अद्भुत है? हाँ। कोई प्राइस ऐसी शक्ति है? कोई शक्ति है, प्राइस ऐसे नहीं है। अच्छा, अब महाराज जी कर रहे हैं कंट्रोल में, बोल रहे हैं कोशिश करेंगे,
करेंगे क्या करेंगे बोल वो जाने अब आप हमारे पता नहीं है। बिल्कुल मैंने तो कहा है बार बार कि जब भाई साहब मैं एक बार आपको फिर पुनः अवगत करा देना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रशासन के भरोसे ये घर कब का जल के राख हो जाता अगर ग्रामीण नहीं होते तो। प्रशासन से एक बार पुनः मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप इस चीज को हड़के में न लें। परिवार के आप कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें इस दुख की घड़ी में। ग्रामीण जन काफी 3-4 दिन से परेशान है लेकिन प्रशासन का यहाँ कोई भी अधिकारी आता है उनके सामने ऐसी घटनाएं हो चुकी है लेकिन प्रशासन फिर भी सुध नहीं ले रहा, सोया पड़ा है। उनके माध्यम से आपके माध्यम से एक बार पुनः हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस परिवार की सुध लें। इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से 14 दिन के अंतराल में जिस प्रकार की 3 पीछे डेथ यहाँ पर हुई है 14 दिन 2 दिन बाद में फिर से ये डर सता रहा है। यहाँ पर मेरे साथ बुजुर्ग है बड़ी उम्र के हैं। ताऊ जी कितनी उम्र होगी थारी? उम्र तो 75 को हो गई। थारी उम्र में इसी घटना कभी थारी जिंदगी में घटी सुनने में आई? कोई नहीं आई। कोई नहीं आई ना। देख सको थे हालात है वो किस प्रकार की है। बुजुर्ग हैं और यहाँ पर भी देखिए पूरा कपड़े हैं वो जलकर नष्ट हुए हैं। एक एक चीज यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आस उम्मीद है और उम्मीद है यहाँ के शासन और प्रशासन से। यहाँ के ग्रामीण हैं तमाम वोट पहुँचे हुए हैं और दिखाने का प्रयास आप करें देश की किस प्रकार से एक एक चीज की यहाँ पर जलकर देखिए जिस प्रकार से जींस पैंट आप देख रहे हैं नरेंद्र जी के हाथ में वो भी जलकर नष्ट हो चुकी है। लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार कैमरा मैन कहूँ आप आए और दिखाएं। यहाँ पर देखिए तमाम लोग बैठे हुए हैं, एक बार घूमकर उस साइड में दिखाने का प्रयास करें और ये देख सकते हैं मेरे साथ सब लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहाँ पर चले और कुछ भी है देखिए ये लंबा वीडियो जा सकता है और आपको इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है क्योंकि आपको वो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में जो कहीं ना कहीं आप इसे अंधविश्वास कहेंगे लेकिन यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं जो बहुत ही आप कपड़े हैं देख सकते हैं। मैंने एक एक अंदर जाके दिखाने का प्रयास किया उसी में ये आते हैं और यहाँ पर भी जले हुए हैं पूरी तरीके से। और ये देखिए कैमरा मैन कहूँगा ये देखिए ये हालात देखिए तस्वीरें देखिए पिछले 2 महीने से परिवार सोया नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हालात इस प्रकार की हो तो गाँव को भी चैन की नींद नहीं आती है। गाँव आज कंधे से कंधे मिलाकर भूप सिंह पुनिया के साथ में खड़ा है लेकिन कल एक कोई पत्रकार साथी आए थे इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा। उनके तहसीलदार जी सरकारी कर्मचारी स्याही साहब भी शायद इधर पटवारी जी भी इधर ही थे उनके सामने इंटरव्यू लेने के लिए आपकी तरह इंटरव्यू लेने के लिए पत्रकार साथी आए थे उनके सामने धधक धधक कर शरीर पर लगी हुई कोटी धधक धधक कर जलने लगी। वो ग्रामीणों के सूझबूझ से उसकी जान बचा ली। पत्रकार की नहीं है इनके दादाजी इंटरव्यू लेने के लिए कोई पत्रकार साथी अच्छा पहुंचे ही थे इतने में बोले कि ये आग कैसे लगती है। इतने में ये सबूत के तौर पे तहसीलदार जी के सामने उन सब के सामने लगी थी। गांव वालों के सूझबूझ की वजह से उनकी जान बचा ली नहीं तो शायद एक और बड़ी हानि हो जाती और 13-14 दिन होने वाले इस घटना को। प्रशासन से बड़ा निवेदन है आप हड़के में न लें। आज फिर से हर 14 दिन से एक बड़ी घटना हो रही है पूरे ग्रामीण जनों को रिश्तेदारों को हर उस आदमी को डर सता रहा है कि कल को कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसका जिम्मेवारी लेगा कौन। बिल्कुल इन्होंने साफ कहा है इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं। अगर इस घटना पर आपका विश्वास नहीं है तो राजगढ़ तहसील में भैंसली गांव है और उस भैंसली गांव में आप आइए। पिलानी से जब आप राजगढ़ जाएंगे तो लाल सिंह नीमा बस स्टैंड से लाल सिंह बास के लिए एक रोड आता है नवा आता है नवा से फिर भैंसली आएगा। आप उस रास्ते से भी आ सकते हैं आप गूगल मैप पर सर्च करके देख सकते हैं। जो भी इस घटना से ये भरोसा नहीं करता हो मैं तो उनसे भी कहना चाहूँगा जिस संत महात्मा तक वीडियो पहुँचे जो इसे कंट्रोल कर सके इस डैमेज कंट्रोल कर सके इसको वो भी इस परिवार तक पहुँच सकता है। इसके लिए मैं एक बार इनके कॉन्टेक्ट नंबर है इस परिवार के या जो भी नंबर यहाँ से मिलेंगे मैं उनके नंबर देने की कोशिश आपको कर रहा हूँ नीचे स्क्रीन पर चल रहे होंगे। आप इस पर कॉल करें और इस परिवार की है वो सहायता करें इस परिवार को इस संकट की घड़ी से आप निकालें। उम्मीद है आस है लेकिन एक गांव खड़ा है साथ में और कोई नहीं आया है। अब आपसे उम्मीद है सरकार से उम्मीद है कोई संत महात्मा से उम्मीद है आप इस तरह की जो जिस प्रकार की घटना हो रही है उससे परिवार को निकालने में मदद जरूर करेंगे।